हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम, गोविंद सागर झील, कोल डैम, पोंग डैम की स्वादिष्ट मछली का आनंद उठाने वाले मछली के शौकीनों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि प्रजनन के चलते मछली शिकार पर 2 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग ने 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। अब गोविंद सागर झील, भाखड़ा डैम, कोल डैम और पोंग डैम में मछली आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अगर कोई शिकार करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पहले मछली आखेट पर प्रतिबंध 1 जून को लगाया जाता था, लेकिन कानून में प्रावधान किया गया है और अधिनियम 2020 के मुताबिक अब 16 जून से प्रतिबंध लगाया जाता है। ये नया कानून बनाया गया है जिसके तहत अब मछली आखेट पर 16 तारीख से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जानकारी मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने दी। सतपाल मेहता ने बताया कि मछली के आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और नजर रखने के लिए उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है ताकि अवैध रूप से शिकार करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। हमने मत्स्य के जो रूल्स थे, मत्स्य रूल्स 1979, एचपी फिशरीज रूल 1979 ये थे, उसको हमने रिपील किया था और अभी हमने 22 मई से जो था वो नए नियम आ गए हैं इसमें, और वो मत्स्य नियम 2020 के नाम से उनको जाना जाएगा। और इसमें विभाग ने जो था इसमें एक प्रावधान किया है कि जो पहली जून से जो क्लोज सीजन, बंद सीजन जो होता है 2 महीने का, वो लगता था, लेकिन इस वर्ष से जो है वो 16 जून से जो है वो 2 महीने के लिए, 16 जून से लेकर के वो 15 अगस्त तक जो वो 2 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि इस 2 माह में ये मछलियां जो हैं वो प्रजनन करती हैं और पिछले 5-7 सालों से जो था वो थोड़ा डिले हो रहा था, मानसून जो थी वो डिले हो रही थी, और इस कारण ही विभाग ने जो है इन रूल्स को चेंज करके उसका समय जो था, टाइम पीरियड 2 महीने का ही रखा है, लेकिन इसका जो है वो 16 जून से लेकर के और 15 अगस्त तक अब जो है वो बंद सीजन रहेगा। और इस बंद सीजन में हमारे विभिन्न जो डैम हैं, खास करके पोंग डैम और गोविंद सागर डैम जो बड़े डैम हैं, या रणजीत सागर डैम है, चमेरा है और कोल डैम है, तो इसमें जो है वो हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं, और उसमें हमने उड़न दस्ते वगैरह भी बनाए हुए हैं, और विभागीय अधिकारी जो कैंप्स में रहते हैं, अलग अलग कैंप हैं, जैसे गोविंद सागर में लगभग 20-22 कैंप लगाए हुए हैं हमने, इसी प्रकार से पोंग डैम में भी 18-20 कैंप जो है वो अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं, और उसमें दिन रात जो है हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी सारे जो है वो उन कैंपों में रह करके और वो लगातार गश्त जो है करते हैं, और जो कोई भी अवैध मत्स्य आखेट की जो है पूरी तरह से जो है विभाग द्वारा रोकथाम की जाती है।